परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने आज फिर एक बार मुझे आपसे बात करने की संधि दी है। मैं उस पवित्र परमेश्वर के नाम को महिमा देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी के कार्यों में सहायता की है। आइए हम परमेश्वर का वचन सुने और उसकी आशीष पाएं। प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा हो। यू नो दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज ये वो दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया। वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। हम इसमें खुश होंगे और आनंदित होंगे। यू नो वी कैन बी हैप्पी इन एनी सर्कमस्टेंसेस, इन एनी प्लेस एंड इन विद एनीबॉडी। हम किसी के साथ किसी भी जगह पर खुश हो सकते हैं। Don't think that only if you go to Bhutan or mountain you'll be happy. आप ये मत सोचिए कि यदि आप पहाड़ों पर जाएंगे या भूटान जाएंगे तभी खुश होंगे। You know, the line between happiness and sadness is in your heart. खुशी और गमी के बीच की जो रेखा है वो आपके दिल में। You know, there was one great preacher who used to do lot of evangelistic work in England. एक महान प्रचारक था जो इंग्लैंड में बहुत प्रचार का काम करता था। That time the Catholic Church was so angry with him, they put him in the prison. Catholic Church उससे इतनी नाराज थी कि उन्होंने पकड़ के उसे जेल में डाल दिया। When the prison, when one of the soldier asked, "Oh pastor, you should be very sad, isn't it?" तो वहाँ पर जेल में बैठे-बैठे एक अधिकारी ने पूछा कि प्रचारक तू तो बहुत निराश होगा। You know what the pastor said? उस प्रचारक ने आप मालूम क्या बोला? The line between happiness and sadness doesn't lie in walls. उसने ये जवाब दिया कि खुशी और गमी के बीच की जो रेखा है वो चार दीवारी के अंदर नहीं है। It doesn't lie in money. वो पैसे में नहीं है। It doesn't lie in achievement. वो आपकी उपलब्धियों में नहीं है। It lies in one's heart. वो एक इंसान के, एक व्यक्ति के दिल में है। So today I want to tell you. आज हम आपको बताना चाहते हैं। The very valuable and which cannot be purchase things that God has given, learn to be happy with it. बहुत कीमती चीज जो परमेश्वर ने आपको दी है, जिसे आप खरीद नहीं सकते, आप उसमें रहना सीखिए, वो है खुशी। And other things you can add is the breath of life that He gives to you. और दूसरी बात आप और जोड़ सकते हैं, वो ये है कि जो श्वास परमेश्वर ने हमें दिया है। The body that is given to you. जो शरीर आपको दिया गया है, the six sense organs that are working perfectly with you, जो छह ज्ञान इंद्रियां आप में काम कर रही हैं, so there are so many things that are so valuable that we don't appreciate because it is taken for granted. हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जो बहुमूल्य हैं, जिन्हें हम समझते नहीं हैं और उन्हें ऐसे हम हल्के में लेते हैं। In this world that we are living, इस संसार में जिसमें हम रह रहे हैं, sometimes we see that good people are suffering. कई बार हम देखते हैं कि अच्छे लोग मुसीबत झेल रहे हैं। And bad people are enjoying. और जो दुष्ट लोग हैं वो आनंद ले रहे हैं। Good people are working, bad people are sitting and enjoying. अच्छे लोग काम कर रहे हैं और जो बुरे लोग हैं वो बैठे हैं आनंद ले रहे हैं। One author, Kushner wrote this book, it became a bestseller. Why do bad things happen to good people? एक किताब है जिसे एक लेखक ने, कुशनर, लिखा और बहुत बिक्री है कि अच्छे लोग दुख मुसीबत क्यों झेल रहे हैं। You know why bad things happen to good people? और बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ क्यों हो रही हैं? And why good things happen to bad people? और बुरे लोगों के साथ अच्छी चीजें क्यों हो रही हैं? You know this is the confused world that we live. ये दुविधा भरी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। You will see that a person who is crooked, who is cunning, who is proud will keep going higher. And the other way when you see good man, front of you will be coming down. आप देखेंगे कि दुष्ट आदमी जो घमंडी है, जो चालबाज है, वो तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ जो अच्छा व्यक्ति है वो घटता जा रहा है। That means to say God is not in control. तो क्या कहेंगे कि परमेश्वर नियंत्रण में नहीं है? That means to say that God is suddenly he's confused and he's scared what is happening in the world. तो क्या हम ये कहेंगे कि अचानक से परमेश्वर घबरा गया, दुविधा में पड़ गया और उसे ये समझ नहीं आ रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है? The Bible says, वचन में लिखा है, that God was before, now and is after. वचन में स्पष्ट किया गया कि परमेश्वर पहले भी था, आज भी है और आने वाले युग में भी होगा। There is one time in the brief history of the world that you were not alive. तो संसार के इतिहास में एक समय ऐसा था कि जब आप नहीं थे। But there is no time in the history of the world that God was not.
इतिहास में, संसार के इतिहास में कोई भी ऐसा समय नहीं है कि जब परमेश्वर नहीं था. सो बाइबल सेज गॉड इज द अल्फा एंड द ओमेगा. परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है. ही इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट. वो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और हर जगह मौजूद. सो यू मे आस्क इफ गॉड इज ऑल पावरफुल, इज एवरी टाइम एवरीवेयर, व्हाई आर गुड पीपल सफरिंग and bad people having a good time. तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि यदि परमेश्वर हर जगह पर है, हर समय है और शक्तिमान है, तो फिर अच्छे लोग मुसीबत में क्यों और बुरे लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं? You know, in we should first understand the world that we have has two forces. हमें ये समझ लेना चाहिए कि जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ दो शक्तियाँ हैं. One is the forces of God and another is the forces of evil. हमें ये जान लेना चाहिए कि एक शक्ति परमेश्वर की ओर से है, दूसरी शैतान की ओर से है, दुष्ट की ओर से. And between these two forces are human beings. और इन दोनों शक्तियों के बीच में है इंसान. While the evil forces force people to come that way. और जबकि ये दुष्ट शक्तियां इंसान को उस ओर आने के लिए कहती हैं, God uses love, patience and power of choice and calls people lovingly. और परमेश्वर प्यार, स्नेह और धीरज का इस्तेमाल करता है और लोगों को चुनाव की शक्ति देता है कि उसको और आ जाए. You know, when God created the world, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा, He created animals. उसने जानवरों को रचा. Many animals have died till that time. और आज तक बहुत से जानवर मर चुके हैं. God created Adam and Eve. Many people have died. परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, इंसान को बनाया, बहुत से लोग मर चुके हैं. God created the dinosaurs, the big whale, the shark, and many of them have died and born and died and born. परमेश्वर ने डायनासोर, बड़ी बड़ी मछलियां और मगर बनाए, उनमें से बहुत से मर गए, बहुत सौ ने जन्म लिया, बहुत चलता जा रहा है. But only one thing God has created and is against God is not dead is devil and his angels. परमेश्वर ने एक चीज और है जो बनाई और जो वो परमेश्वर के विरुद्ध है, वो अभी तक ना तो मरी है, वो है शैतान और उसके दूत. You know, when you go to the history of the Bible, there was war in heaven. जब बाइबल के इतिहास में जाते हैं तो लिखा है कि स्वर्ग में युद्ध हुआ. And Satan and his angels fought with God because they wanted to conquer heaven. शैतान और उसके दूतों ने स्वर्ग में संघर्ष किया परमेश्वर के विरुद्ध ताकि वो स्वर्ग पर काबू कर सके. But you know, God is God. लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है. If you read Revelation 12:7, what does it say? यहाँ प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7 पद को जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके दूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े. What is the Bible say? यहाँ वचन में क्या लिखा है? Michael and his angels means Jesus and his angels and Satan and his angels fought and what happened? What is the fight for? यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकाइल जो कि प्रभु यीशु के लिए कहा गया है, यीशु और उसके स्वर्गदूत और शैतान उसके स्वर्गदूतों के बीच में संघर्ष हुआ. लेकिन संघर्ष किस बात के लिए हुआ? Who will be number one? संघर्ष इसी बात पे था कि हुकूमत कौन करेगा, ऊपर एक नंबर पे कौन होगा. Even today that is a problem in every house. हर घर में आज भी यही समस्या है. I am the number one. कि मैं उत्तम हूं. Wife will tell, I am the one, everybody have to listen to me. पत्नी कहती है कि मैं ही सबसे सही हूँ, सबको मेरी सुननी चाहिए. Even among two brothers, both will be fighting and saying, I am number one. दो भाइयों में देख लो, दोनों झगड़ा कर रहे होंगे, लड़ेंगे और कहेंगे कि मैं सही हूँ. Because everybody have learned from Satan that they should have a perfect control and they should be number one. सबने शैतान से सीखा है कि उन्हें एक नंबर ही होना है. You know, children have very nice rules. बच्चों के बड़े नियम बहुत अच्छे हैं. I don't know who teaches them. आज तक ये समझ नहीं कि उन्हें सिखाता कौन है. They can be only about 2-3 years old and you'll see that in them. और आप देखेंगे कि वो 2-3 साल के होते हैं और वो सारे नियम उनमें होते हैं. The rules of property are like this. और उनके जो नियम है वो इस तरह है. If they like something, it is theirs. और जिस चीज को वो पसंद करते हैं वो उनकी है. If they touch it first, it is theirs. यदि वो उसे पहले छू ले तो वो उनकी है. And if they break, it is others. और यदि वह टूट जाए तो वो किसी और की है. If they want it, they want it right now. यदि उन्हें चाहिए तो उन्हें उसी वक्त चाहिए. And they are right always and others are wrong. और वो ये है कि वो हमेशा सही है और दूसरे हमेशा गलत. This is from small. ये बचपन से ही है. So even in the, we see Satan is a deceiver of the world. हम देखते हैं कि ये
शैतान जो है वो दुनिया को भरमाता है he puts a design us to be number one in power number one in riches and number one in wisdom वो हम लोगों में ये डालता है कि हम शक्ति में और अपने ज्ञान में सबसे आगे हों in this what happens इसमें होता क्या है we kill each other हम एक दूसरे को मारते हैं we bad talk bad about each other हम दूसरों के बारे में बुरा बोलते jealousy comes हमारे अंदर चलन की pain comes दर्द आती है suffering comes फिर मुसीबत and we blame God और फिर हम क्या करते हैं so, परमेश्वर को दोष देते हैं when the war takes place God and the angels win जब संघर्ष होता है तो परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत ही जीतते हैं and in Revelation 12:9 what happens यहां हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है तब मैं बड़ा आजकल अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए व्हाट हैपेंड तो क्या होता है सैतान एंड हिज एंजल्स वर कास्ट डाउन ऑन द अर्थ शैतान और उसके दूत जो थे वो पृथ्वी पर गिरा दिए गए सो नाउ देयर आर टू किंगडम्स अब दो हुकूमतें हैं व्हाट किंगडम्स कौन से हुकूमतें स्पिरिट किंगडम्स वो आत्मा की हुकूमतें दैट यू एंड आई कैन नॉट सी जिन्हें हम देख नहीं सकते विद आवर नेकेड आईज वी कैन नेवर सी हम अपनी नंगी आंखों से नहीं वन टाइम्स वन वे सैतान इज ट्राइंग टू डिस्प्रूव टू पीपल एंड से देयर इज नो गॉड देयर इज नो हेवन एक तरफ तो लोगों को गुमराह करके कह रहा है कि वहां परमेश्वर नहीं है कुछ स्वर्ग नहीं है अदर साइड जीसस एंड हिज अपोस्टल्स एंड हिज सर्वेंट्स गोइंग प्रीचिंग एंड टेलिंग द वर्ल्ड देयर इज हेवन देयर इज पीस एंड देयर इज राइटियसनेस और दूसरी तरफ क्या है कि यीशु के जो चेले हैं जो उसके प्रचारक हैं जो उसके दूत हैं वो दुनिया में जा जाकर कह रहे हैं कि स्वर्ग है परमेश्वर है शांति है No, Satan is powerful. शैतान शक्तिशाली है. He is not equal to you. वो हमारे बराबर नहीं है. Because he was in heaven. क्योंकि वो स्वर्ग में था. He was a choir leader. वो गाने वाले ग्रुप का आगू था. So many songs are written year after month where they are earning crores of rupees. तो आज आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे गाने लिखे गए हैं कि जो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं. And you will be surprised. आपको हैरानगी होगी मैक्सिमम द रॉक सिंगर्स डोंट लिव अबोव द एज ऑफ 45 टू 50 कि ये जो रॉक सिंगर हैं उनमें से अधिकतर लोग 45-50 की उम्र से ज्यादा नहीं जाते मिसरेबल डस्ट और उनकी बहुत भयानक मौत होती है व्हाट सैटन डज इज ही गिव्स देम द फेम ही गिव्स देम द मनी एंड लेटर ऑन टेक्स देयर लाइफ शैतान क्या करता है कि उनको वो नाम देता है पैसा देता है और आखिर में उनके जीवन को छीन लेता है सो इफ यू डोंट नो द बाइबल You don't know whether Satan is lifting you up or God is lifting you up. यदि आप वचन को नहीं जानते तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपको ऊपर कौन उठा रहा है परमेश्वर या शैतान When God can do miracles, even Satan can do miracles. यदि परमेश्वर अचंभित कार्य कर सकता है तो याद रखिए शैतान भी अचंभित कार्य कर सकता है Revelation 16:14, what does it say? यहां देखते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसके 14 पद में ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार को राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे व्हाट इज द बाइबल से यहां पर वचन क्या कह रहा है ही कैन डू मिरेकल्स कि वो अचंभित कार्य कर सकता है व्हाट सेट इज ट्राइंग टू टेल पीपल यहां पर लोगों को शैतान क्या कहना चाहता है ओनली जीसस इज नॉट एनफ वो क्या यही कहना चाहता है कि प्रभु यीशु ही काफी नहीं है बिकॉज सैटन नोज इन हिज हार्ट ही हैज लेफ्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस हेवन एंड इज स्ट्रगलिंग इन हेल क्योंकि शैतान जानता है कि उसने वो खूबसूरत स्थान जो स्वर्ग उसे छोड़ दिया और आज जहन्नुम में वो दुख मुसीबत एंड सो जेलस ऑफ यू एंड मी ही नोज इफ यू गो टू हेवन दैट ही व्हाट ही लॉस्ट दैट ही वांट्स अस ऑल्सो टू लूज आज शैतान आपसे इतनी जलन महसूस करता है क्योंकि वो जानता है कि जिस चीज को उसने खो दिया है वो चाहता है कि हम भी उसे खो दें यू नो समटाइम इवन वी आर लाइक दैट कई बार हम भी ऐसे होते हैं वी आर समटाइम सो जेलस ऑफ आवर नेबर्स और आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स दैट ऑल्दो वी मे नॉट गेट इट वी मेक श्योर दैट दे विल नॉट गेट इट हम अपने पड़ोसियों से अपने रिश्तेदारों से इतना जलन महसूस करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो चीज हमें नहीं मिली वो उन्हें भी ना मिले And we will do everything and tell lies and spoil their names. हम झूठ बोल बोलकर और गलत काम कर करके उनका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। If you read John 8:44, यहाँ पर यहूना
8 अध्याय और 44 पद को जब देखते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। What does the Bible say? यहां वचन क्या कह रहा है? He is a murderer and liar from the beginning. कि वो झूठा और हत्यारा आरंभ से ही है। You know, nowadays telling lies is like normal. आज के समय में झूठ बोलना एक आम बात है। Murder you'll hear every day in the news. और हर रोज आप खबर में ये सुन सकते हैं कि कत्ल हो गया। Families falling apart is very normal nowadays. परिवारों का अलग होना ये आज के समय की आम बात है। What has Satan done? शैतान ने क्या किया? He has turned good things to be ugly and ugly things he has made them beautiful. उसने क्या किया है कि जो भद्दी चीजें थी उन्हें खूबसूरत करके दिखा दिया है, और जो खूबसूरत चीजें थी उनको बहुत भद्दा बना दिया है। I want to tell you one example. एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। You know, one pastor told the story. एक प्रचारक ने कहानी सुनाई। You know, in 1999, he wanted to buy a jeans pant for his son from Sri Lanka. 1999 में वो श्रीलंका से वो प्रचारक अपने पुत्र के लिए एक जीन की पैंट खरीदना चाहता था। So he went to Pune camp to buy. तो वो पुणे कैंप खरीदने के लिए गया। So he went to a shop and he told that man, "Can you show me a good quality jeans?" तो वो दुकान पे गया और उसे कहने लगा कि क्या तुम मेरे को अच्छे किस्म की कोई जीन की पैंट दिखा सकते हो? That man bought the first jeans. तो उसने वो जो आदमी था वो जीन लेके आ गया। And in the jean, it was written bad. और उस जीन पे लिखा हुआ था बुरा। And he said, "This is very good quality." और कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। He said, "But it's written bad, na?" तो कहने लगे भाई इसमें तो लिखा हुआ है कि He said, "Sir, that is company's name." कह रहा कि ये तो कंपनी का नाम है। He said, "No, no, don't want this. I'm pastor." कहने लगा कि भाई मेरे को ये मेरे बेटे के लिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं प्रचार हूँ। You bring little better jeans. तो मेरे को कोई अच्छी जीन दे। So he bought a better one. It was written there, bad bull. तो वो एक और लेके आया जो कि उससे थोड़ी घटिया थी लेकिन ठीक थी। उस पर लिखा हुआ था कि बुरा भैंसा। And he said, "Bad bull, how I'm pastor? If my son is wearing, what people talk about me?" कहने लगा कि भाई ये मैं कैसे ले सकता हूँ कि यदि मेरा बेटा पहनेगा और लोग देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? He said, "Bring one simple one." कहने लगा कि एक साधारण सी ले आ। And he bought one more. On the back, it wrote name poison. तो एक और वो जीन लेके आया उसके पीछे लिखा हुआ जहर। And the costliest one. और वो सबसे महंगी थी। What is Satan doing? आज शैतान कर क्या रहा है? All those things which were calling bad before, he is trying to make it good now. कि जो चीजें पहले बुरी कहलाती थी आज उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। So today when you see bad people suffering, what is Satan trying to tell others? आज जब आप बुरे लोगों को मुसीबत में देखते हैं तो शैतान दूसरों को क्या कहता है? His ultimate his message is, if you leave good, there's no use. तो उसका यही संदेश है कि भाई अगर अच्छाई को छोड़ दो तो उसका फायदा कुछ नहीं। Because bad people are enjoying, क्योंकि बुरे लोग जो आनंद मना रहे हैं। Good people are suffering, अच्छे लोग ये मुसीबत में हैं। But if you read Revelation 12:17, what it says? यहाँ प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसके 17 पद को देखें तो यहाँ क्या लिखा है? तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। What does the Bible say? वचन क्या कहता है? The dragon was wroth with the woman and went to make war against the remnant of the church. तो यहाँ लिखा है कि अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से युद्ध करने को गया। The woman is the church of God. यहाँ जो औरत है ये परमेश्वर की कलीसिया की ओर इशारा करती है। How do you know which is the right church? आप कैसे जान सकते हैं कि वो अच्छी कलीसिया? The answer is there. वही जवाब है, which keeps the commandments of God and has the testimony of Jesus. जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है। So what Satan does? शैतान क्या करता है? He keeps troubling the people of God. वो परमेश्वर के लोगों को तंग करता रहता है। He knows if I trouble, they'll give up God. यदि वो जानता है कि यदि मैं इन्हें तंग करूंगा तो वो परमेश्वर को छोड़ देंगे। But his followers, those are doing bad, he'll keep them lifting up. और जो लोग उसके बातों को मानते हैं वो उसे उठाता रहता है। But here we see, यहां हम देखते हैं
that Satan and his angels and his disciples are not going to last forever. कि शैतान और उसके जो स्वर्गदूत हैं, जो उसके दूत हैं, वो हमेशा तक नहीं बने रहेंगे. Because there is hell to go and heaven to go. वहाँ पर जगह है जहन्नुम में जाने के लिए और स्वर्ग जाने के लिए. You should not think that oh, when I die, you know, I go nowhere. ये मत सोचिए कि जब मैं मरूंगा कहीं नहीं जाऊंगा. You know, Satan is very smart. शैतान बहुत होशियार है. He will make you believe everything except Jesus Christ. वो आपको सब बातें मना लेगा सिवाय प्रभु यीशु के. And always, you know, और आपको मालूम है होना चाहिए कि हमेशा वो Satan and his angels have a definite end. कि शैतान और उसके जो दूत हैं उनका एक स्थाई खात्मा है. And all those who are living today, और जो आज रह रहे हैं, who don't follow Jesus, जो यीशु के पीछे नहीं चलते, when they die, जब वो मरेंगे, Satan is waiting to receive them in hell. तो शैतान उन्हें जहन्नुम में लेने के लिए तैयार. You know, there was one pastor who was serving the Lord for 22 years. एक प्रचारक था जो 22 साल से परमेश्वर की सेवकाई में था. But one time he became very sick. एक बार बहुत बीमार हुआ. He became so sick he cannot lift his own hands and legs. वो इतना बीमार हुआ कि अपने हाथ पैर नहीं उठा सकता. So they took him to the hospital. उसे अस्पताल पहुंचाया गया. They told him his heart is almost failing. और बताया गया कि इसका जो दिल है वो जवाब देता जा रहा है. His kidney was failing. उसके जो किडनी है वो जवाब दे रही है. But this pastor used to pray for hours together. ये प्रचारक जो था ये कई कई घंटे एक साथ प्रार्थना करता था. And when he was praying, जब ये प्रार्थना कर रहा था, suddenly the angel of the Lord came and carried him to heaven. तो अचानक से परमेश्वर का एक दूत आया और उसे उठाकर स्वर्ग ले गया. And when he went to heaven, it was a marvelous place. जब वो स्वर्ग गया तो वो बहुत अद्भुत स्थान था. He says in his vision, when he went to heaven, suddenly all his thoughts, his pain, suffering disappeared. तो वो कहता है कि मैं जब स्वर्ग पहुंचा तो मेरी सारी पीड़ा, सारा जो दुख था, परेशानी थी, खत्म हो गई. And when he went through one sea of glass, suddenly he forgot what was happening on the earth. तो जब वो एक कांच के समुद्र से गुजर रहा था तो वो बिल्कुल भूल गया कि धरती पे क्या हो रहा था. And when he went, जब वो गया, he realized that he was in his spirit. तो उसने ये महसूस किया कि वो आत्मा में है. And the Lord Jesus told him, one of the angels, take him to hell, let him see and proclaim the word of God. प्रभु यीशु ने एक दूत से कहा कि इसे जहन्नुम में ले जाओ और इसे देखने दो कि वहां क्या हो रहा है ताकि ये जाकर धरती पर गवाही दे. When he and his angels were traveling, जब वो और उसके दूत यात्रा कर रहे थे, suddenly he started entering a place which was dark. तो अचानक वो उस स्थान में जाने लग गया जिसमें अंधेरा ही अंधेरा था. But as he came, he realized almost this place also was like heaven only. तो जब वो वहां गया तो उसे महसूस किया कि ये स्थान भी ऐसा ही जैसा स्वर्ग है. But it was little lesser light. लेकिन यहाँ पर रोशनी थोड़ी मध्यम थी. And it was very fearful. और बहुत डरावनी थी. And there he saw the Satan sitting. वहाँ उसने शैतान को बैठे देखा. But Satan and his disciples, spirits didn't know that this man and the angel are coming. लेकिन शैतान और उसके दूत नहीं जानते थे कि ये आदमी और परमेश्वर के दूत आ रहे हैं. And as they entered, he saw one place where there was fire. तो जब वो वहां गया तो उसने देखा एक जगह ऐसी जहां पर आग ही है. And four sides were big mountains. और उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं. And Satan was deciding today who will go and burn in the fire and who will not go. तो वहां शैतान ये निर्णय ले रहा था कि आज आग में कौन जलेगा और कौन नहीं जलेगा. And remember, those going in the fire were not in body, they were in spirit. याद रखिए कि जो आग में जा रहे थे वो शरीर में नहीं थे, वो आत्मा में थे. And they were screaming and shouting. वो वहां पर चिल्ला रहे थे, करा रहे थे. And that fire was not like fire we see on the earth. वो ऐसी आग नहीं थी जो जिसे हम इस धरती पर देखते हैं. That fire had life. उस आग में जीवन था. And as the spirits were trying to climb the mountain, that wave of the fire will come again, catch them and take them. और जैसे जैसे कोई ये पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता था, वो आग आती थी उसे पकड़ के वापस अपने अंदर ले लेते. Screaming and crying. वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे. Pastor said when he came back to his body in the after vision, he could not eat for 6 days. और प्रचारक इस बात की गवाही देता है कि जब वो वापस अपने शरीर की हालत में आया तो ये सोच के वो 6 दिन खा नहीं सका. My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, very soon even Satan will be destroyed with the same fire. बहुत जल्द शैतान भी उसी आग में जल रहे हैं. On this earth only we live for 60 to 70 years.
इस धरती पर हम 60-70 साल ही जीते हैं। But today if you choose Jesus and live a right life, you live in heaven forever and ever. यदि आप प्रभु यीशु को चुनते हैं और अच्छे काम करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो स्वर्ग में आप 60-70 साल नहीं बल्कि हमेशा के लिए जिएंगे। The Bible says in heaven there will be no more weeping. स्वर्ग में रोना नहीं होगा। There will be no more pain. वहां पीड़ा नहीं होगी। There will be no more tears. आंसू नहीं होंगे। There will be no more fears. वहां भय नहीं होगा। So today you decide. आज आपने निर्णय लेना है। You want to follow Jesus. क्या आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? Yes, you may have to suffer. हो सकता है कि आपको दुख मुसीबत झेलने Maybe you may not have friends. हो सकता है आपके दोस्त ना हो. But it's only for a little while. लेकिन ये कुछ समय के लिए. But you can live with Jesus forever and ever. लेकिन आप यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकते But Satan will give you one day pleasure and make you suffer for 100 years. हो सकता है कि शैतान आपको एक दिन का आनंद दे और कई सालों के लिए. So today you choose. आज आपने चुनाव करना. You want to enjoy limited pleasure of sin? क्या आप कुछ समय का आनंद लेना चाहते हैं? Or you want to live with unlimited pleasure and joy with Jesus? या आप असीमित आनंद लेना चाहते हैं और प्रभु यीशु के साथ रहना चाहते हैं? Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Mighty God, Heavenly Father. महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता. Lord, give us a wisdom to distinguish between good and bad. प्रभु आप हमें ज्ञान दीजिए ताकि हम अच्छाई और बुराई में अंतर समझ सकें. Lord, help us to learn between vanities and uselessness, O Master. आप हमें इतना हिम्मत दीजिए कि हम बुरी चीजों और बेकार की चीजों को समझ सकें। Lord, help us not to enjoy little pleasures and lose eternal life, O Master. आप हमें हिम्मत दीजिए कि हम कुछ समय के आनंद को लेकर हमेशा की खुशी को ना Lord, I pray for the viewers who are watching this telecast. आज जो ये टेलीकास्ट देख रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, if they are living in sin, यदि वो पाप में रह रहे हैं। Lord, if they are living in utter lies, अगर वो झूठ भरा जीवन जी रहे हैं। Are they living in adultery? यदि वे बुरे कामों दुष्कर्म में जी रहे हैं। Lord, you deliver them from the hand of Satan. आप उन्हें शैतान के हाथों से मुक्त कीजिए। So that when they die, O Master, ताकि जब वो मरे, they will have eternal life. तो उन्हें आनंद जीवन मिले। Lord, I know they are suffering today, O Master. हम जानते हैं प्रभु कि वो आज दुख झेल रहे हैं। But when you come second time, जब आप दूसरी बार आएंगे, they will live without pain. वो बिना पीड़ा के जीवन जी। They will live without tears. वो बिना आंसुओं का जीवन जी। They will live without fears, O Master. वो बिना डर का जीवन जिएंगे। In Jesus' name, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।